एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाले चैप्टर के बारे में, और उसमें भी हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 1 आया हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स बताने हैं हमें। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे एक ही जगह पर बहुत सारे तरह के प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, कल्टिवेटेड हो रहे हैं, तो उस प्लांट्स को क्या बोलते हैं? क्रॉप। तो आंसर क्या आ गया? क्रॉप। सेकेंड पार्ट आया, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज। क्रॉप को उगाने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है प्रिपरेशन, सोइल को प्रिपेयर करने का। सेकेंड आया, थर्ड क्वेश्चन आया हमारे पास, डैमेज सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। पानी के ऊपर जो है हमारे डैमेज सीड क्या करते हैं? तो हमने बोला जो डैमेज सीड होते हैं वो फ्लोट करते हैं ऑन द टॉप ऑफ वाटर। वाटर के ऊपर डैमेज सीड क्या करने लग जाते हैं? फ्लोट करने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन आया, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सोइल आर एसेंशियल। सोइल के लिए एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या क्या सफिशियंट कंडीशन चाहिए? एक हो गया सनलाइट, दूसरा हो गया वाटर, तीसरा हो गया न्यूट्रिएंट। तो ये सब हमारे पास एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें चाहिए। क्वेश्चन आया हमारे पास, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के एग्जाम्पल देने हैं। तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल पैडी एंड मेज, रबी क्रॉप के एग्जाम्पल होते हैं वीट एंड ग्राम। क्वेश्चन आया था हमारे पास, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सेकेंड वन इज सोइंग। तो बोला सोइल को प्रिपेयर करना जो है सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है। इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजनिंग द सोइल। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? टिलिंग करना, सोइल को लूज करना। दिस अलाउज द रूट टू पेनेट्रेट डीप इन द सोइल। सोइल को अंदर डीप अंदर तक जाने के लिए प्रिपरेशन ऑफ सोइल बहुत जरूरी है। अगला नाम आया सोइंग। सोइंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन टू द सोइल। सोइल के अंदर सीड्स को डालने को बोलते हैं हमारे पास सोइंग। द टूल यूज्ड फॉर सोइंग सीड इज फनल शेप्ड। फनल शेप की होती है, ट्रैक्टर में हम उसकी हेल्प से लगाते हैं और एक प्रॉपर डिस्टेंस और एक प्रॉपर डेप्थ पे हमारे सीड जो है वो उसके अंदर जाते जाते हैं। नेक्स्ट आया हमारे पास, हमें फिर से राइट अ पैराग्राफ इन योर ऑन वर्ड। ऑन वर्ड में बताना है वीडिंग क्या होती है। तो वीडिंग क्या है? कुछ हमारे पास अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं हमारे क्रॉप के साथ, उन सब को हम बोलते हैं वीड्स, और उसको रिमूव करने को बोला जाता है वीडिंग। फिर आया थ्रेशिंग। थ्रेशिंग हमारे पास क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्राम सीड फ्रॉम द चेफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ग्राम सीड को अलग निकालने को हम लोग नाम क्या दे देते हैं? थ्रेशिंग। क्वेश्चन आया, व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है और क्या दो मेथड्स होते हैं जिससे हम इरिगेशन करके हमारे वाटर को कंजर्व बचा के रख सकते हैं? तो बोला द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट, प्लांट्स को वाटरिंग करने को हम लोग बोलते हैं इरिगेशन। मेन सोर्स इरिगेशन की क्या होते हैं? हमारे वेल्स, ट्यूब वेल्स, पोंड, लेक्स, रिवर, ये सब किसके स्टेप्स है? इरिगेशन के है। इसके दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है स्प्रिंकलर मेथड एंड द सेकेंड मेथड इज ड्रीप इरीगेशन मेथड। तो स्प्रिंकल मेथड में हमने क्या बोला, हम लोग अरेंजमेंट लेते हैं वर्टिकल पाइप्स की, एक नोजल लगाते हैं रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप, एंड इट इज मोर यूजफुल इन अनइवन एंड सैंडी लैंड। जो सैंडी लैंड होती है, अनइवन लैंड है, उन सब के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगला आया ड्रीप इरीगेशन मेथड। तो इस मेथड में हम क्या कहते हैं, हमारे पास छोटी छोटी क्या होते हैं इरीगेशन सिस्टम में, पाइप्स होगी, ट्यूब्स होगी, जिनके अंदर होल्स होते हैं, और उनमें क्या होता है हमारे पास, हम लोग वाटर को ड्रिप ड्रॉप 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 वाइज प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा पानी जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है और हमें पानी की वेस्टेज ही बचानी है। हमारे पास
वीट इज सोन इन खरीफ सीजन, खरीफ सीजन के अंदर अगर हम वीट उगाते हैं तो क्या होगा? तो बोला वीट क्रॉप इज सोन फ्रॉम नवंबर दिसंबर टू मार्च एंड अप्रैल, इट इज ग्रोन इन विंटर, वो विंटर सीजन में होती है और उसको कम पानी चाहिए होता है। बट अगर आप वीट को खरीफ सीजन में ग्रो कर देंगे तो उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। में हमसे पूछा एक्सप्लेन हाउ सोया जो है वो कैसे अफेक्ट होती है अगर हम बार बार उस पर सेम तरह का प्लांट जो है वो ग्रो करते रहेंगे। तो बोला अगर हम सेम तरह का प्लांट बार बार ग्रो करते जाएंगे तो उनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट है वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, सोयल जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगी, मतलब अब उसके ऊपर हम लोग ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, एंड इट डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट, वापस से वो न्यूट्रिएंट उन्हें मिलते ही नहीं है, पहले ही हम दूसरी क्रॉप लगा देते हैं। आया हमारे पास व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम, वीड्स क्या होती है और कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बोला वीड जो है वो अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट है जो अपने आप से ही ग्रो कर जाते हैं, फिर उनको हमें हटाना पड़ता है क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट प्लांट के ले रहे होते हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वीडिसाइड्स का यूज करते हैं और वीडिसाइड जो है फील्ड में स्प्रे करते हैं और उसे सारे के सारे वीड्स जो है वो किल हो जाते हैं, मतलब वो सारे के सारे मर जाते हैं। ये थे हमारे एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।